पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में करोड़ों के ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का पर्दाफाश किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ जेवरातों को जब्त भी किया है, साथ ही इस पूरे मामले में चार अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें, पिछले 25 मई को संध्या में हथियारबंद अपराधी चकिया बाजार में पहुंचे थे, जहां देवी प्रसाद आभूषण दुकान में हथियार के बल पर करोड़ों के सोना चांदी के जेवरात लूट लिए गए। इस मामले पर विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार को दो भाई पवन सर्राफ और सुधीर सर्राफ कर गोली चला दिया था, जिसमें दोनों भाई घायल हुए थे, जिनका इलाज मोतिहारी में इस वक्त भी जारी है। वहीं मामले को लेकर बात की जाए तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। पूरे कांड में संलिप्त चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लगभग 705 ग्राम लूट का सोना, 2 किलो 830 ग्राम चांदी के आभूषण, 1 किलो मादक पदार्थ के साथ 5 जिंदा कारतूस और एक पिस्टल भी जब्त की है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में राम बहादुर सहनी, उपेंद्र यादव, पंकज कुमार, ये तीनों मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं चौथा विवेक कुमार इसे जिले का वासी बताया जाता है। बता दें, इस मामले में पीड़ित परिवार वालों ने जो आवेदन दिया है उसमें 7 किलो सोना व 50 किलो चांदी के जेवरात की लूट की बात है। साथ ही पुलिस की माने तो 10 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड राम बहादुर है और लाइटनर का काम विवेक ने किया था, जो फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। वहीं इस मामले में अभी 6 अपराधियों की तलाश जारी है, तो वहीं भारी मात्रा में लूटे गए आभूषण की जब्ती को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। 25 मई की शाम में चकिया के बाजार में केसरिया रोड पर स्थित देवीलाल ज्वेलर्स में एक लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें कि 6 बदमाशों ने वहाँ दुकान में चढ़ करके सामान लूट लिया था, जिसमें 7 किलो सोना और 50 किलो चांदी की बात FIR में आई। इस संदर्भ में तत्काल SDPO चकिया के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया और लगातार छापामारी की जा रही थी, और हम लोगों ने इसमें 96 घंटे के अंदर में इसको डिटेक्ट कर लिया है, और इसमें सामान की भी बरामदगी हुई है, जिसमें अब तक 705 ग्राम सोना, 2 किलो 830 ग्राम चांदी और इसके साथ हथियार और मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद हुआ है। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य के लिए छापामारी जारी है।